नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों बिहार चुनाव 2020 के लिए सबसे सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन जीतता है बिहार के अंदर, किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। धारा 370 और देश के अंदर जो भी यहाँ पर नए यहाँ पर फैसले लिए गए हैं उसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे कि आखिर किसको कितनी सीटें जा सकती हैं और इसके कारण बीजेपी को कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। फिलहाल आंकड़े बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं। अगर आज की तस्वीर आपको दिखाएं और 2 साल की पहले की तस्वीर, तो पहले की जो तस्वीर थी वो 71% पूरे भारत में बीजेपी का जो राज्य स्थित शासन है वो कायम हो चुका था। लेकिन फिलहाल अगर आज के आंकड़े आपको दिखाएं तो 36% पर ही बीजेपी समझ चुकी है और इसमें कई ऐसे जो सहयोगी दल हैं उनकी मदद से बीजेपी कई राज्यों में सरकार में है और छोटे राज्यों में बीजेपी समझ गई है। ये बड़ा यहाँ पर बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पर बड़े राज्यों में बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है और बीजेपी सुपुर्दगी जा रही है अब आने वाले चुनाव में, तो कैसे बिहार में बीजेपी सरकार बना पाएगी इसके लिए भी आंकड़े आपको दिखाएंगे और कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। 122 सीटें चाहिए, 243 सीटें यहां से कुल आती हैं और किसकी सरकार बनेगी। इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2005 में क्या आंकड़े थे, 54 सीट यहां पर आरजेडी के खाते में थी, तो कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें यहां पर जेडीयू के खाते में, 88 तो भाजपा 55 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर देखने को मिला, वो थे 2010 के नतीजे। बीजेपी यहाँ पर 91 सीटों पर, तो जेडीयू यहाँ पर 115 सीट सबसे बड़ी पार्टी बनी और यहाँ पर आरजेडी सिर्फ 32 सीटों पर सिमटी, कांग्रेस 5 सीटों पर यहाँ पर सिमटी। लेकिन 2015 के क्या आंकड़े थे, यहाँ पर जो गठबंधन था वो था जेडीयू आरजेडी कांग्रेस, ये बड़ा मजबूत गठबंधन को सरकार बनाने के आंकड़े भी मिले। लेकिन 2017 में यह जेडीयू अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन 2020 में क्या आंकड़े बन सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले 2020 के लोकसभा चुनाव बीजेपी जेडीयू यहाँ पर 7 चुनाव लड़े और 17 बीजेपी, तो जेडीयू 16 और यहाँ पर एलजेपी 6, तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही यहाँ पर बिहार में हासिल कर पाई। लेकिन 2020 के लिए क्या आंकड़े बनते हैं, इससे पहले जो कई बड़े एक्सपर्ट लोगों का सर्वे उसके अनुसार बिहार में अगर लालू प्रसाद यहाँ पर वापसी करते हैं, आते हैं चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो फिर यहाँ पर आरजेडी को बड़ा फायदा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। लालू यादव अगर बिहार में चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनको 81% फायदा होगा और नुकसान सिर्फ 15% लोग मानते हैं, उनको कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन यहाँ पर माना जा रहा है। जनता के अनुसार यहाँ पर नीतीश कुमार को जेडीयू जो है वो 23% लोग मानते हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से 60% लोग मानते हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। सुनील मोदी यहाँ पर सिर्फ 10% है, तो तेज प्रताप यादव सिर्फ 2% लोगों का ऐसा मानना है ये बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं फाइनल आंकड़े विधानसभा चुनाव 2020 के लिए, जो बिहार के लिए आंकड़े आ रहे हैं 243 सीटों, कितने सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। बीजेपी और जेडीयू के लिए अगर बात करें तो अलग अलग ये चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी यहाँ पर बात करें तो 50 सीटों पर सिमट रही है और जेडीयू की अगर बात करें तो अलग लड़ रही है तो ये 55 सीटों पर सिमट रही है और कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 105 सीट ही इनको मिलती है दोनों के लिए। अगर ये गठबंधन में आ जाते हैं जो यहाँ पर आंकड़े बनते हैं, तो फिर इन आंकड़ों में आप 18 सीटें ऐड कर लीजिए। 18 सीटें ऐड करने के बाद यहां पर 123 का आंकड़ा जो है वो मिलता नजर आ रहा है, मतलब सरकार बनाने के आंकड़े इनको भी मिल सकते हैं अगर ये गठबंधन में आते हैं। करें यहां पर आरजेडी कांग्रेस के लिए क्या आंकड़े बनते हैं, कांग्रेस यहां पर और आरजेडी के लिए जो आंकड़े हैं अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इनको नुकसान हो रहा है, अगर ये साथ आ जाते हैं तो फिर ये भी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। अन्य की मदद भी यहाँ पर ली जा सकती है, वो किसको मिलेगी, बीजेपी या यहाँ पर आरजेडी जो गठबंधन है उसको। लेकिन आंकड़े फिलहाल यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के लिए जो आंकड़े हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके अनुसार जो आंकड़े हैं कि अगर ये चुनाव यहाँ पर करते हैं गठबंधन में, तो इनको 80% चांस जो है वो सरकार बनाने के दिखाई दे रहे हैं ये अगर गठबंधन करते हैं, और अगर अलग अलग ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये हार भी सकते हैं, ये यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो कितनी सीटें आप जा सकते हैं आरजेडी के लिए वो भी आपको दिखा देते हैं। आरजेडी को यहाँ पर अगर बात करें तो 107 सीटें जा सकती हैं अगर ये गठबंधन करते हैं, और कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं यहाँ पर 19 सीटें
तो ये जो बहुमत है वो यहाँ तक पार कर रहे हैं के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, मतलब 126 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं अगर ये गठबंधन होता है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो इनमें 18 सीटें आप माइनस कर सकते हैं। और ये यहाँ पर बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वे निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर नुकसान आरजेडी कांग्रेस को हो सकता है अगर गठबंधन नहीं घटती है, ये आंकड़े बनते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर बीजेपी जो गठबंधन है उसको यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े मिलेंगे, या फिर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े मिलेंगे? काफी समय चुनाव में अभी भी है और किस प्रकार के चुनावी यहाँ पर प्रचार होंगे और कौन किस गठबंधन के साथ जाता है, इसके बाद आंकड़ों में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। और आपको क्या लगता है बिहार में कौन अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर सरकार बना सकते हैं और चला सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता है। और एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।